ब्यावर में भी केबल ऑपरेटर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के ट्राई कानून को बताया काला कानून। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से प्रस्तावित टैरिफ ऑर्डर को लेकर उपकरण के सभी केबल ऑपरेटर्स ने विरोध दर्ज कराते हुए उपकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की। टैरिफ ऑर्डर से आमजन पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर उपकरण के समस्त केबल ऑपरेटर्स ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। स्थानीय MCO गोविंद शर्मा के नेतृत्व में केबल ऑपरेटर्स उपकंड कार्यालय पहुंचे। उपकंड अधिकारी सुरेश चौधरी को सौंपे ज्ञापन में टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ 24 जनवरी को केबल टीवी प्रसारण ब्लैक आउट करने की जानकारी दी गई। केबल ऑपरेटर्स ने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से जो टैरिफ ऑर्डर लागू किए जा रहे हैं, इस आदेश से देश भर में करीब 2,50,000 केबल ऑपरेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे और उनसे जुड़े 12,50,000 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अन्याय है जो केबल उपभोक्ता 200 से 250 रुपए में सारे चैनल देख रहा है, उन्हीं चैनलों का केबल उपभोक्ता को 600 से 800 रुपए देना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो GST 18% लिया जा रहा है केबल के ऊपर, जबकि वो भी मनोरंजन ही है, तो उस पर 18% की जगह 5% किया जाए, हमारी यही डिमांड है। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब के नाम पे केबल ऑपरेटर पे जो 1 फरवरी से जो रेटें लागू की जा रही है वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत अत्यधिक है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही 24 जनवरी को ब्लैकआउट रहेगा सुबह 8 बजे से रात्रि को 8 बजे तक, जिसका हम समर्थन करते हैं। और केवल ये ब्यावर में नहीं, पूरे देश के 7 राज्यों में ये ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें हम साथ हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी हमारी जो मांगे उनको पूर्ण किया जाए और हमारी GST की जो दर है 18% जो अभी ली जा रही है उसको 5% किया जाए।